और इस डॉट से और यहाँ से हम मिला देंगे, ये देखिए। उसके बाद यहाँ से अमूल का शेप दे देंगे, ये देखिए अमूल का शेप हो गया। अभी दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा एक इंच ऊपर रख देना है ताकि ये जब जुड़ने के बाद सीधा हो जाए। अभी वो भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने से पहले आपको दिखा दूं क्योंकि ये और हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक न्यू वीडियो में। आज आपको हम एक न्यू डिज़ाइन में दिखाएंगे। देखिए ये वाला पीस है, ऊपर ड्रेप रहेगा और नीचे भी ड्रेप रहेगा। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ऊपर भी ड्रेप है और नीचे भी इसके एक चुन्नट वाले फ्रिल में है। तो हम सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए, आपको मैं डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह स्केच बना हुआ है, इसी पे ये योक हो गया और नीचे हम फ्रिल में नेट पे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये किस तरह हम फोल्ड किया वो दिखा देते हैं। जैसे ये आपका फैब्रिक हो गया, मान लीजिए ये पूरा फैब्रिक है, आपको सबसे पहले इसका देख लेना कितना अरज है। ये देखिए इस पॉइंट से, जैसे ये 60 इंच का बना हो गया, लंबाई फैब्रिक का हो गया, तो आपको इस तरीके से लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपको जितना भी घेरा देना, इसका डबल ट्रिपल कर दीजिए आप ऐसे करके ही। मैं भी ऐसे ही करके ये देखिए फोल्ड कर दिया इसको, 4-5 लेयर पे इसको फोल्ड कर दिया मैंने। सेम ऐसे ही, सेम टू सेम ऐसे ही फोल्ड किया ये भी। तो आप समझ गए किस तरह फोल्ड करना है। ये इसको अम्ब्रेला कट बोलते हैं, अम्ब्रेला कटिंग बोलते हैं इसको। तो ये अम्ब्रेला कटिंग है। अभी आपको हम सबसे पहले इसका जो योक है, योक माइनस करके हम घेरा काटेंगे, जो नीचे का घेरा है, जो फ्रिल होता है, बहुत सारे नीचे घेर होता है उसका है। तो हम 16 इंच इसका योक कम करेंगे और जितना लेंथ है 54 लेंथ है, तो 54 पे हम सबसे फर्स्ट निशान लगाएंगे। ये देखिए आपको एक मिनट, अभी आपको निशान दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, ये निशान दिख रहा है यहाँ पे। तो ये निशान हमने लगा दिया। अब ये 54 पे कट रहेगा क्योंकि इसमें हम फोल्डिंग नहीं करेंगे और उतना ही तैयार रखेंगे। 16 इंच पे एक निशान लगा देंगे यहाँ पे और ये मार्जिन का हो गया। ओके दोस्तों, अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब सीधा हम इसको, क्योंकि मेरा टेबल छोटा है दोस्तों, तो इसके लिए हम थोड़ा एडजस्ट करके कटिंग कर रहे हैं। इसको हम नीचे करेंगे, ये देखिए। अब ये वाला निशान से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम गोलाई लेंगे, 22 पे है, हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि इधर उधर ना हो। ये पिन पे लेकर के इस तरीके से हम 22 पे ही इसको प्रॉपर निशान लगा देंगे। ये देखिए ये निशान दिख रहा होगा आपको वाइट कलर में, वाइट कलर में डार्क में निशान लगा देते हैं आपको। ये देखिए अब दिख रहा होगा निशान, ये निशान पर हम इसको कट कर लेंगे। इधर तो कट कर लिए, अब एक चीज़ और कर लेना, अगर आपको एडजस्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए ये 13 इंच पे इसका पॉइंट बना लीजिए, जैसे 14 इंच जितना पे आपको बैठ रहा है, 14 इंच पे इसका। ये देखिए यहाँ पे 14 इंच आ रहा है, ये भी 14 इंच, तो 14 इंच आप यहाँ पे माइनस करके आप सीधा नीचे का बराबर कट कर सकते हैं। तो अब इसको हम ऊपर कर लेंगे जितना पे हम निशान लगाए हैं। ये वीडियो दोस्तों पार्ट टू में रहेगा, मतलब पार्ट वन में हम कटिंग दिखा देंगे और पार्ट टू में हम इसका स्टिचिंग दिखाएंगे किस तरह स्टिचिंग ये अम्ब्रेला कट का कटते हैं। ये देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक फोल्ड और भी कर सकते हैं। ये देखिए इससे इजी रहेगा आपको, कट करने में भी रहेगा और उतना वो भी नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम नाप लेंगे पूरा, ये 38.5 आ रहा है, तो हम बीच में भी रखेंगे और 38 पे एक निशान लगा देंगे, 38.5 पे। फिर साइड में रखेंगे और 38.5 पे एक निशान लगा देंगे। आपको डार्क करके दिखा देते हैं, ये देखिए ये डार्क करके दिखा दिए, ये हमारा नीचे का हो गया। ये हो गया, और ये जो खर्चा बचा इसका हम योक में यूज करेंगे, ये वाला। ये हो गया दोस्तों, ये हमारा नीचे का घेरा हो गया। अब इसको हम इसी से सारे हम कट काटेंगे क्योंकि 2-3 लेयर है, हम इसको साइड कर देते हैं यहीं पे। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा बचा है दोस्तों, इसको भी हम यूज कर लेंगे क्योंकि ये वेस्ट नहीं जाएगा, घेरे में आ जाएगा पूरा में। अब इसको भी हम इस तरीके से यूज करेंगे कि हमारा काम आ जाए। फिर सेम ये वाला फैब्रिक है, इसको भी हम उतना ही लेयर करेंगे, 4 लेयर कर लेंगे। ये हो गया, अभी हमें ये देखना कि हमारा फैब्रिक कितना आ रहा है। देखिए पूरा आ रहा है फैब्रिक, तो इसको ये सेंटर वाला हिस्सा है, अब ये वाला सेंटर बन गया, तो इसी से हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से सेम टू सेम, सबसे पहले नीचे वाला हिस्से जितना पे हमारा आ रहा है उतना पे हम ये पिन लगाएंगे यहाँ पे। अब दोस्तों ये देखिए तीसरा लेयर भी काट दिया है मैंने, तीसरा लेयर बस इसी जो बड़े वाले लेयर के हिसाब से, उसी के हिसाब से ये कट हो गया, उतना ही लंबा रहेगा। बैक में बागिन में है इसको, इसके बराबर हम कट कर देंगे साइड से, वो भी दिखाएंगे किस तरह का, पार्ट टू में वो दिखाएंगे किस तरह कट करते हैं। अब हम साटन को फ्यूजिंग करके उसमें हम योग काटेंगे, तो वो दिखाएंगे कि किस तरीके से योग कटिंग होता है। तो अब वीडियो में हम ही काटेंगे, इसमें भी इजी तरीके से हम बताएंगे आपको। ये देखिए ये डबल लेयर है, पॉली क्लिप ले लिए हमने, इसको एक कोने से पकड़ेंगे और दोनों हिस्से को पकड़ के हम इस तरीके से कर लेंगे। इसमें भी घेरा दे देंगे दोस्तों, पूरा ही घेरा देंगे। इसको भी डबल लेयर हम कर देंगे, 4 लेयर हो गया। ये देखिए अब इसमें हम लेंथ देख लेंगे कितना रखना है, योक लेंथ, उससे हम माइनस करेंगे
16 इंच का योग है दोस्तों, आपको इस हिसाब से रखना है। देखिए मैं आपको इसी तरीका बता रहा हूँ कमर नापने का। 29 इंच कमर है दोस्तों, तो हमें ये रखना है कितना, 7.5 इंच। 7.5 इंच के हिसाब से ये 28 इंच आ जाएगा, 29 इंच कमर आ जाएगा। तो ये 7.5 इंच रखेंगे, 7.5 इंच पर देख लेंगे कितना आ रहा है, ये 11 पे आ रहा है। तो 11 पे रख करके आप इसको ऐसे कर लीजिए फोल्ड, बाकी ये मार्जिन को छोड़ दीजिए। ओके, अब यहाँ से आपको निशान लगा लेना है 16 इंच पर कितना आ रहा है। ये देखिए 16 इंच पर रख लीजिए और 16 इंच के हिसाब से इसको हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको 16 इंच माइनस कर लेना है और 54 आपका लेंथ हो गया। इसको हम थोड़ा कम रखेंगे लेंथ। तो देखिए हम इसको 10 इंच कम कर दिए लाइनिंग को, लेंथ में से हम डबल लाइनिंग दे रहे हैं इसलिए कम कर दिया। अगर सिंगल देते तो हम पूरा देते, सिंगल में हम पूरा देंगे, साटन में हम पूरा देंगे। ये लाइनिंग है पॉलीग्रेप, इसलिए हम इसमें ये पॉलीग्रेप है दोस्तों, इसलिए इसमें हम थोड़ा कम कर दिए हैं। अब इसको हम कट कर लेते हैं, ये कमर हो गया और नीचे का ये घेरा हो जाएगा। और बाकी जो बचेगा हम योक में यूज करेंगे। ये घेरा होगा, ये भी अम्ब्रेला कट हो गया, इसको भी साइड करते हैं। आप साटन को काट लेते हैं, ये साटन हो गया दोस्तों, साटन भी हमने डाई करवा लिया उसी कलर में। अब इसको भी हम डबल फोल्ड वैसे ही सेम करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को देखिए तो उसको प्लीज़ लाइक भी क्या कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे से और भी वीडियो बना के दिखाएंगे। और एक आध वीक में दोस्तों हम अच्छे वीडियो दिखाएंगे। जो वायरिंग वाला गौरव गुप्ता का ड्रेस है तो आप उसका वेट कीजिए, हम दिखाएंगे। अभी उसका काम चल रहा है, अभी वो डाई वगैरह हो गया दोस्तों, बस थोड़ा सा काम रह गया इसलिए उसको रोक रखा। आपको कमर नापने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला फैब्रिक रख लीजिए इस पर, जितना पे आ रहा है उतना पे निशान आप लगा दीजिए इसको। ठीक, देखिए निशान लगा दिया हमने। अब इसको फोल्ड कर लेना है, फिर एक फोल्ड, बाकी मार्जिन उधर छोड़ दीजिए आप इतना पे करके। बट ये ध्यान रखना आपको कि लेंथ इसका जो रहेगा साटन का, ये प्रॉपर जितना लेंथ है ड्रेस का उतना ही रखना है, क्योंकि नहीं तो नेट दिखेगा दोस्तों नीचे से, तो इसलिए आपको ये फुल लेंथ रखना पड़ेगा। ये निशान हो गया, अब निशान से हम देखेंगे कितना आ रहा है। 16 इंच पे रखेंगे सबसे पहले, ये योक माइनस हो गया और 54 लेंथ है, तो 54 पे हम आधे इंच एक्स्ट्रा रख करके निशान लगाएंगे। फिर इधर भी निशान लगा देंगे, सेम इधर भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसको गुलाई दे देंगे हल्का, गुलाई देने के बाद इसको कट कर लेंगे। हमने साटन को फ्यूजिंग करके रख लिया है, सबसे पहले हम लाइनिंग काटेंगे, उसके बाद लाइनिंग इसी लाइनिंग से फिर हम साटन का मैन पल्ला काट लेंगे, तो हमारा डबल लाइनिंग हो जाएगा इसमें भी। तो सबसे पहले देखिए हम ये निशान दिख रहा होगा आपको, ये डबल निशान लगा दिए हैं, एक कटिंग का हो जाएगा और एक स्टिचिंग का हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले निशान लगाएंगे, योग देखेंगे, योग 16 इंच का योग रखे थे, ये 16 इंच पे निशान लगा दिए, उसके बाद मार्जिन हम रख दिए और 6.5 पे हम ये आमूल का निशान लगाएंगे और 10 इंच डीपी है तो डीपी का हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद ये सारे स्केल से, सीधे वाले स्केल से आप इस तरीके से निशान खींच लीजिए डीपी पे, डॉट पॉइंट बोलते हैं डीपी, यहाँ पे भी हम निशान खींच लेंगे। ये देखिए इस तरीके से निशान आ गया। उसके बाद दोस्तों डॉट पॉइंट अपेक्स टू अपेक्स 4 इंच का होता है, 8 इंच का, तो 8 इंच पे आप निशान लगा लीजिए, इधर भी 8 इंच पे निशान लगा दीजिए। इसको फिर सीधा निशान, ये देखिए सीधा निशान खींच दिए। अब यहाँ पे आपको चौक इस तरह पकड़ना है और ये देखिए इस तरीके से आपको निशान लगाना है। ये हमारी सारी वीडियो में ऐसे ही होता है, जो योक हम काटते हैं सिंगल डॉट से हम काटते हैं दोस्तों, इसी में हम पैड लगाएंगे। अब यहाँ से चेस्ट नापेंगे, 35 हाफ है, तो 35 के हिसाब से हम 1.25 इंच मार लूजिंग देंगे सिर्फ चेस्ट में, वेस्ट उतना ही रखेंगे। तो 30 इंच वेस्ट है, 30 इंच के हिसाब से यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा के इस तरीके से, ये देखिए ये निशान लगा दिया हमने, हो गया। अब हमें शोल्डर देखना है, 6.5 इंच शोल्डर रखेंगे और इस डॉट से और यहाँ से हम मिला देंगे, ये देखिए। उसके बाद यहाँ से आमूल का शेप दे देंगे, ये देखिए आमूल का शेप हो गया। अभी दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर रख देना है, ताकि ये जब जुड़ने के बाद सीधा हो जाए, अभी वो भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कट कर लेते हैं, कट करने से पहले आपको दिखा दूं, क्योंकि ये ऑफ शोल्डर के हिसाब से है दोस्तों, यहाँ से ऊपर ट्रांसपेरेंट है, मतलब नेक 7 इंच तक ही रहेगा और 7 इंच के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट के हिसाब से हम इसको शेप दे देते हैं इसे, उसके बाद कट कर लेते हैं। ये देखिए इधर भी कट कर लेंगे, और ये जो डॉट पॉइंट के हिसाब से हमने सिंगल डॉट दिया है दोस्तों, इसको भी कट कर लेंगे इतना, और इसमें हम पैड सेट करेंगे, तो इस हिसाब से हम कट कर रहे हैं इसको। ये वाला पैड है दोस्तों,
अगर आपको समझ में ना आए तो इसको इस हिसाब से अटैच कर लीजिए और नीचे पैड रख लीजिए। ये देखिए नीचे पैड रख लीजिए और इस हिसाब से अटैच कर लीजिए। ये देखिए सीधा नज़र आएगा आपको, ये सीधा आ रहा है नज़र, इस तरीके से हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा साइड से कटवाना पड़ा दोस्तों। ये हमारा एक पल्ला कट गया है। आपको बैक काट के दिखाते हैं। बैक में हम बैक जीप रखेंगे दोस्तों, तो बैक को ओपन करेंगे। ओपन के हिसाब से हम कट करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले आप निशान एक सीधा वाला खींच लीजिए और ये जीप के माइनस कर दीजिए, इतना जीप, ये जीप लगने के हिस्सा माइनस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से चेस्ट नाप लीजिए, 35 हाफ है तो 35 हाफ पे निशान लगा लीजिए। बैक में हम लूजिंग नहीं देंगे और 30 इंच के हिसाब से ये डॉट का हो गया और ये निशान हो गया लूजिंग का, इससे सीधा निशान खींच दीजिए। अब ये जो फ्रंट पल्ला काटे हैं इसका ये वाला हिस्सा जो होता है, इस वाले हिस्से को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर निशान खींच देंगे। निशान खींचने के बाद यहाँ से हम सीधा कर देंगे और ये डॉट का हो जाएगा, जो बैक में डॉट देते हैं शेप बैठने के लिए कमर का, वो कमर का शेप हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हो, इससे अपर चेस्ट लूज नहीं रहेगा, बट हम बैक में नहीं देंगे इलास्टिक, ऐसे ही लगा देंगे। इसको डॉट हम उठा लेते हैं और जीप के सामने कुटका लगा देते हैं, ये इतना ही रहेगा। अब इससे जो है हम वो साटन वाला जो फिजिंग करके रखे हैं उसको भी कट कर लेंगे। ये साटन का फिजिंग किया हुआ है, इसको भी हम कट कर लेते हैं अभी। यही सेम पल्ला रखेंगे इस पर। और बैक भी यहीं पे रख लेंगे क्योंकि हमें उधर से फैब्रिक बच जाएगा फिर और उसमें काम आ जाएगा। तो यहीं से बैक भी हमारा निकल रहा है और फ्रंट भी निकल जाएगा। इसको कट कर लेते हैं सेम जैसे ही बैठा हुआ, सेम ऐसे ही कट कर लेंगे दोस्तों, कम ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद इसको डॉट मारने के बाद हम डमी पे लगा के फिर ड्रेप सेट करेंगे, तो हम पार्ट टू में दिखाएंगे कि किस तरीके से ड्रेप करने हैं। और गौरव गुप्ता का और भी नए डिजाइन हम वीडियो लाने वाले हैं, एक दो दिन में उसका शूटिंग करेंगे तो उसका भी वीडियो हम अपलोड करेंगे। 4-5 पार्ट में होगा, लंबा वीडियो होगा और वो अच्छा ड्रेस है दोस्तों, बहुत हेवी ड्रेस है, तो उसका भी वेट कीजिए, हम वो भी डालेंगे। और पार्ट टू में स्टिचिंग दिखाएंगे दोस्तों, किस तरह स्टिचिंग करते हैं वो भी देखिएगा। और वीडियो देखते ही दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। रुक गया था तो ये कट नहीं दिखा पाए। ये देखिए मैंने ये लाइनिंग वाले हिस्से को ही इस पे बैठा करके मैंने कट कर दिया है, डॉट पॉइंट वगैरह सब काट दिए। अब हम स्टिचिंग के लिए चलते हैं, स्टिचिंग में भी दिखाएंगे किस तरीके से स्टिचिंग करते हैं। और पैड वगैरह, ये पैड है दोस्तों।